एक बार किसी ने कहा, ये रामायण की कथा ना, हमें तो लगता है जैसे कुछ काल्पनिक सी लगती है, कल्पना सी है। हमने कहा भी वैसे तो है नहीं ऐसा, लेकिन अगर तुझे ये लगता है कि कोई कल्पना है तो कहीं विश्व का साहित्य पढ़कर देख लो, इससे मीठी, इससे सकारात्मक कल्पना भी दुनिया में नहीं हो सकती जो रामायण में दिखाई देती है। और कि कल्पना भी माने तो इससे बड़ी कल्पना भी नहीं हो सकती जहां भाई भाई के प्यार के लिए सिंहासन को ठोकर लगाई जा रही है। जहां पिता के वचनों की पालना के लिए 14 वर्ष का वनवास हंस के स्वीकार किया जा रहा है, जहां बड़ा भाई छोटे के लिए राज्य छोड़कर चल देता है और छोटा भाई भी 14 साल तक सिंहासन पर नहीं, सिंहासन पर पादुकाएं विराजित करके ये उदाहरण देता है कि सत्ता क्या चीज है, सद्भावना की स्थिति। और ऐसी न जाने कितनी प्रेरणा, कई मित्र भाव की प्रेरणा, कई भ्रातृभाव की प्रेरणा, कई पुत्र के रूप में मात पिता गुरु नाम ही माता। तो हमें जब किसी ने कहा कि हमें रामायण, हमें तो कल्पना की कहानियां लगती हैं, तो हमने कहा भाई तेरे दिमाग में कल्पनाएं भरी होंगी, फिर भी तू अगर कल्पना मानता है तो विश्व में इससे पढ़कर कोई अच्छी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ये सनातन है।